हाय गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू के पराठे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया है उसमें ज़ीरा और आलू को मैंने उबाल लिया है। ये नए आलू हैं तो मैंने इनका छिलका उतार के ही इनको उबाला था। ये देखिए, तो ये आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं। अभी जो है मेरा जो जीरा जो है वो हो चुका है, तो मैं कढ़ाई में आलू को डाल दूँगी ऐसे तोड़ते हुए, ताकि हमें बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो आलू को मतलब मैश करने में। उसके बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे अगर इस तरह से करके डालेंगे तो। आलू थोड़े से गर्म भी थे, तो ये देखिए मैंने सारे आलू डाल दिए हैं और इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने हरी मिर्च 3 से 4 कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ पे डाल दिए मैंने मसाले, नमक डाला है, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। बस यही है मसाले इसके अंदर, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से चलाते हुए इसको मैश कर लेंगे, आलू को अच्छे से फोड़ लेंगे चलाते चलाते, और हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना ली है। इसको मैंने मसाले एकदम मिक्स कर दिए हैं मसाले, और बहुत अच्छे से देखिए हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। ये है इस तरह से समोसे बनाए जाते हैं। मतलब अगर इस आलू के हम समोसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे, बट हम बनाने जा रहे हैं पराठे जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए चलिए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर अदरक भी डाल दिया है, मैं अदरक भूल गई थी, अदरक डाल दिया है इसके अंदर मैंने किसके थोड़ा सा, और अब डाला है मैंने थोड़ा सा पनीर। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही औसम लगेंगे, बहुत ही मस्त। तो पनीर डाल दिया है मैंने इसके अंदर। ये थोड़ा सा पनीर मेरे पास बचा हुआ था, इसका मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने किसके इस पनीर को आलू के अंदर डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखिए अभी मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं 2 छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। ये देखिए इतनी छोटी छोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से बना लूँगी 2 छोटी छोटी लोइयाँ। मैं जो है हमेशा 2 लोइयाँ बनाती हूँ और डबल पराठा बनाती हूँ। ये देखिए बन गई है दोनों, अब इनको मैं बेल लेती हूँ। तो मैं जो है डबल पराठा बनाती हूँ, मैं सिंगल नहीं बनाती हूँ, मुझसे नहीं बन पाता है, फट जाता है और वो अच्छा भी नहीं बनता है। ये देखिए मेरा बेबी आ गया था, वो बोल रहा था कि मम्मी जल्दी बनाओ, भूख लगी है हमें। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता था आज का। तो आज जो है बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा पराठे बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है। तो ये देखिए एक साइड का हो चुका है बेलना, और अभी मैं दूसरी साइड का जो पराठा है वो बेल लूँगी। तो देखिए गाइस मैंने बेल ली है, मैं भरूंगी। तो मैंने आलू ले लिए है, आलू की स्टफिंग जो बनाई थी और उसको मैं रखूंगी इसके ऊपर। तो जो है मैंने काफ़ी सारे आलू लिए हैं, मुझे पसंद है कि पराठे के अंदर थोड़े आलू हों तभी अच्छे लगते हैं, नहीं तो अच्छे नहीं लगता है ऐसे कि आलू के पराठे के अंदर आलू की स्टफिंग ना हो अच्छे से। तो ये देखिए काफ़ी सारे मैंने रख लिए हैं, अब जो है मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखिए मैं क्या करूँगी कि जो दूसरा वाला था उसको ऊपर से रख के साइड साइड से दबा दूँगी, ताकि जब मैं उसका पराठा बनाऊँ तो आलू बाहर ना आ पाए, इसलिए मैंने दबा दिया है इसको अच्छे से। ये देखिए अब मैं इसको हाथों से बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं बनाती जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाए मैंने। तो ये जो उंगलियाँ होती हैं इन्हीं से हमें दबाना है, दोनों हाथ की उंगलियों से दबाना है इस तरीके से, और बहुत ईजिली बन जाता है हमारे पराठा। ये देखिए मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कितने ईजिली वो बड़ा हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब बढ़ जाता है और कब इतना अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए देखिए मैं करती जा रही हूँ, कितने ईजिली बड़ा हो गया ये देखिए। तो हमारा पराठा बन के तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ, और ये देखिए अभी मैं इसको दूसरी साइड से पलट दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है एक साइड से। तो अभी मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी, ये देखिए घी लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से, और इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से घी लगाएंगे, ताकि पूरे पराठे पे अच्छे से लग जाए। ये देखिए
ये देखिए कुछ इस तरीके से, और बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और एकदम चटपटा सा बहुत ही अच्छा सा पराठा बना था, ये देखिए अब क्रिस्पी सा भी बना था। ये देखिए दूसरी साइड से भी सिक चुका है, अब हम इधर भी इसको घी लगा देंगे। ये देखिए सर्दियों में थोड़ा घी जम जाता है, बट कोई नहीं, पराठे पे आने के बाद पिघल भी जाता है क्योंकि गर्म होता है पराठा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको दोनों साइड से घी लगा दिया। मैं इसको सेक लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखता है हमारा पराठा। अब मैं इसको फिर से पलट दूँगी, ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। और गाइज अगर आपको बाहर से आवाज़ आए तो प्लीज़ माइंड मत करना, कि आपको पता है घर बन रहा है किसी का, आवाज़ें आती रहती है खटर पटर। तो ये देखिए इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे तो वो जो है सब तरफ से सिक जाएगा, मतलब कोई भी कोना नहीं बचेगा कि जहाँ से ना सिके। अगर आप हाथ से इसको मतलब इधर उधर नहीं कर सकते तो आप इसको चिमटे वगैरह से कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत 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 टेस्टी। इस तरीके से घुमाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि सब तरफ से सिक जाएगा, कोई भी कोना नहीं बचेगा। ये देखिए वाओ, देखिए कितने अच्छी तरीके से सिक चुका है, और बिल्कुल भी जला भी नहीं है और अच्छे से सिक भी रहा है। तो बस मैंने इसको बिल्कुल भी कहीं से भी फास्ट नहीं किया है, मैंने पूरा आपको दिखाया है कि किस तरीके से बनाया है मैंने। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए गाइस पक चुका है हमारा पराठा, अब इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है थाली में, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से खोल के। ये देखिए गर्म है तो भाप आ रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से बना था। ये देखिए कितना मतलब ये लग रहा है बस अभी खा लें। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। हाँ तो बताओ कैसे लग रहे हैं पराठे? वाओ सुपर टेस्टी। अच्छा टेस्टी। और बेबी आपको कैसे लग रहे हैं? सुपर टेस्टी। और सर चो रहे हैं ना, है ना, बोलो जरूर खाना, ट्राई जरूर करना। आप भी जरूर खाना, आप भी ट्राई करना। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब। और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय कर दो, बाय बाय।